भौतिक धन दौलत रुपये पैसे की चकाचौंध में आज लोग सत्संग को, धर्म को, भक्ति को हम भूलते जा रहे हैं। एक सेठ था, बोले शत्रुदेव की एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जैसे गणित के सूत्र होते हैं, थोड़े से मिल जाता है, फिर आदमी सवाल को स्वाभाविक हल कर लेता है। तो एक सेठ था, उस सेठ की कई फैक्ट्रियां थी। वो सुबह से उठता, इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से इस फैक्ट्री, फिर रात को कहीं 8 बजे 9 बजे 10 बजे खारा खाकर वापस आता था। अब जैसे ही घर में आता था तो उसकी धर्मपत्नी आइए आगे विचारों के लिए, कल यदि जिंदा रहूंगा तो इस कहानी को पूरा कर लूंगा। आइए आगे विचारों की ओर हम चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे सत्संग की गर्मी जब चलती है तो ठंडी पता नहीं चलता है। तो आइए आगे विचारों के लिए हमारे बीच आदरणीय संश्री अनिल साहब जी विराजमान हैं, जो प्रयागराज इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन अब भी कुछ महीनों से, कुछ सालों से छत्तीसगढ़ के क्षत्रिय आश्रम में भी आप विराजमान हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन कि आप गहन गंभीर विचारों से हम सबको समाज धर्म के निसज्जनों या माताओं, बड़े सौभाग्य के साथ बात है, आपके अंचल में बृहद कबीर सत्संग समारोह का आयोजन एक ऐसे विचारों को जनमानस तक फैलाने का प्रयास, जहां आदमी निर्भ्रांत जीवन जी सकता है, जहां कर्म कांड और पाखंड से हट करके एक सुखचिंद विचार, एक निर्भय विचार, डर और भय रहित जीवन जीने की कला सिखाना, ये कबीर वाणी का देन है। कबीर वाणी मानव मानव को ऊपर उठाने का काम करता है। कबीर वाणी में डर और भय नहीं रहता है। कबीर वाणी आदमी को आदमी से जोड़ता है और आपको अपने आप से मुलाकात कराता है। अन्य वाणियों में, अन्य जगहों में, कई जगहों में कर्मकांड चलता है, पाखंड चलता है, लेकिन सद्गुरु कबीर के वाणी एक ऐसे सुखचंद विचार है जहां आपको अपने आप से जोड़ते हैं। कई संतों और लेखकों और कविकारों का कहना है कि सुख का स्रोत बाहर मिलता है, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब का कहना है कि सुख का स्रोत तुम्हारे अंदर है, और उन चीज को, उस आत्मा को स्थापित करने के लिए आपके अंदर है, उस चीज को बताने के लिए संतों का आगमन होता है। आज सौभाग्य की बात है, आपके प्रांगण में एक ऐसे विचारों का, जो पारंग सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, आते ही जैसे ही आप निवास में प्रवेश करेंगे तो सबसे सब पहले लिखा है पारख। पारख का मतलब होता है परख करना और कुछ भी नहीं। पारख का मतलब होता है परख करना। क्या परख करना? हानि क्या है, लाभ क्या है, घाटा क्या है, फायदा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है और जड़ क्या चीज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण दो आपको, जैसे चींटी, चींटी के सामने आप चीनी रख दो और कंकड़, तो चीनी और कंकड़ में से चींटी चीनी को चुन लेती है और कंकड़ को छोड़ देती है। सिर्फ पारख का इतना ही काम है, पारख का मात्र इतना ही संदेश है कि आप अपने आप से मुलाकात करिए। पारख का इतना ही संदेश है कि बाहर सुख नहीं, वह सुख आपके अंदर है, वह सुख आपके अंदर है। आज दुनिया में धर्म के नाम पर इतने कर्मकांड चलते हैं और धर्म के नाम पर इतना अनाचार चलते हैं, जो सुख कहीं और बताते हैं, भगवान और परमात्मा कहीं और बताते हैं, वो चीज नहीं बता पाते हैं कि वो सुख भगवान और परमात्मा जिसे तुम ढूंढते हो वह तुम्हारे पास में है।
यह त्रिदिशी सत्संग समारोह है। त्रिदिशी सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन है। आज प्रथम दिन मैं अपना विषय लेता हूं। आज श्री नोमी सिंह जी ने आज अपना घर का गृह प्रवेश किया, मकान उद्घाटन, गृह प्रवेश। उनके पिता श्री फूल सिंह जी ने कुछ एक ऐसा उच्च संस्कार दिया जिसके बदौलत कुछ उनको संस्कार मिला, जिसके बदौलत नोमी सिंह जी ने यह विचार उनके अंतस्तल तक पहुंचे और एक कबीर वाणी को पकड़ा उन्होंने, और वो वाणी एक जगह सीमित करके ना रह जाए, जनमानस तक फैलाने का प्रयास उनका, और सबसे आप सबसे सहयोग लेकर के, आपसे सबसे राय लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया। उनके मन में एक प्यास थी, एक मन में एक ललक थी कि जिस विचारों को मेरे अंदर धसा हुआ है, जिस चीज से मैं भटकता था पहले, उन चीजों से अन्य लोग ना भटके, जिस भ्रांति में, जिस कर्मकांड में मैं लोगों को देखता हूँ, वैसे कर्मकांड और भ्रांति में लोग ना रहे, एक स्वच्छंद विचार, एक निर्भीक विचार और एक आत्मीय विचार को, पारख ज्ञान को समझे, और उनका उद्देश्य रहा, इसलिए यह प्रोग्राम करते हैं। आइए मैं अपनी बात पर आऊं। तीन दिन का समय है और इस विषय पर विचार सुनेंगे। गृह प्रवेश हुआ आज। आज एक सुंदर घर, एक सुंदर मकान नवमी सिंह जी ने बनवाया, उसका गृह प्रवेश हुआ। बहुत लोग गृह प्रवेश में कथा करवाते हैं, नाच नौटंकी करवाते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, लेकिन उनका विचार संतों के द्वारा गृह प्रवेश हो और संतों से उन्होंने गृह प्रवेश करवाए। मकान उन्होंने बनाया है बड़ा सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। मकान में क्या लगा है आप जानते हैं, सीमेंट, छड़, ईटा, ईट, गिट्टी, मलबा से बना हुआ एक मकान है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर, बॉडी, सोल, ये मकान है। अभी उन्होंने मकान बनाया, आप सब के सब भी मकान बनाते हैं और बहुत मकान बनते हैं। मकान सुंदर से सुंदर इंजीनियर बना सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर बना सकता है। आप जैसे मन में कल्पना करते हैं वैसा ही दृश्य सामने, आपके सामने ला सकते हैं। इंजीनियर की कला है, इंजीनियर की कला है मकान बनाना, इंजीनियर की कला है। घर वाले मेहनत करते हैं, इंजीनियर से राय लेते हैं, सुंदर मकान बनता है, लेकिन घर को इंजीनियर नहीं बना सकता है, मकान बना सकता है घर नहीं। पैसा के बल पर आप मकान बना सकते हैं, पैसा के बल पर घर नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। पैसा के बल पर घर कभी नहीं बनता है, पैसा के बल पर मकान बनता है। आपके पास जितना पैसा होगा उतना ही इस घर को, इस मकान को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, सुंदर, भव्य और आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन पैसा के बल पर घर को सुंदर नहीं बना सकते हैं, घर को सुंदर नहीं बना सकते हैं आप। मकान सुंदर बन सकता है, घर सुंदर बनता है आपके प्रेम से, घर सुंदर बनता है परिवार में स्नेह से, घर सुंदर बनता है भाई और भाई में प्रेम से, पति और पत्नी में प्रेम से, घर सुंदर बनता है बच्चों को प्यार से आगे बढ़ाने से, माँ बाप को सम्मान देने से, पड़ोसी को सम्मान देने से, अतिथि को सम्मान देने से घर सुंदर बनता है, इससे मकान सुंदर नहीं। इसलिए मकान को पैसा से सजाया जा सकता है आत्मीय बंधुओं, लेकिन घर को प्रेम से सजाया जा सकता है। और कोई चीज नहीं है घर को सजाने के लिए, और कोई चीज नहीं है इस दुनिया से, दुनिया में जो कि घर को सजाया जा सके। और घर को सजाने और संवारने में सबसे ज्यादा हाथ और योगदान होता है माताओं का, बहनों का। आप इस चीज को ध्यान देंगे, आप लोग सौभाग्यशाली है जो कि आपको घर के बनाने वाले कह रहा हूं। मकान भाई बना सकते हैं, पिता बना सकते हैं, पैसा ला करके दे सकते हैं, सुंदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सुंदर मकान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन घर बनाने में आपकी हाथ चाहिए, घर बनाने में आपकी कला चाहिए। आप घर को सुंदर संवार सकते हैं, आप घर को सुशोभित कर सकते हैं, आप घर को आदर्श बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है घर को सुंदर? आपके घर में कोई अतिथि आए, आप उनको प्यार से सत्कार से नहीं बैठाए, प्यार से बात नहीं करें, तो कहेंगे इनके घर ठीक नहीं है, इनके घर ठीक नहीं है।
लेकिन आप यहाँ कोई भी आते हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं ये बात का नहीं, आप गरीब है अमीर है इस बात की बात नहीं है, बात है आपकी प्रेम, बात है आपकी भावनाएं, बात है आप कैसे लोगों से मिलना चाहते हैं। ये आपके घर बनाने की कला है। जिस घर में आपस में माँ बाप प्रेम से जीते हो, उस घर के बच्चे सुंदर जीवन जीते हैं। जिस घर में माता पिता को सम्मान दिया जाता हो, उस घर के बच्चे संस्कारी निकलते हैं। ऐसे घर को घर बनाया कहा जाता है, ऐसे घर को घर बनाया कहा जाता है। नौमी सिंह जी ने आप सुंदर घर बनाया है, बहुत सुंदर घर बनाया, अब उस मकान बनाया, अब उसको कितना अच्छा घर बना सकते हैं, उसमें घर वालों की सबके हाथ है, घर की सबके हाथ है। उनके साथ ही किरण देवी का हाथ है कि घर को कितना सुंदर बनाए वो, उनके सुपुत्र का हाथ है कि राहुल का इस घर को और कितना अच्छा बनाए, क्योंकि श्री फूल सिंह जी ने जो दिया उसको नौमी सिंह जी ने बहुत सुंदर रूप दिया है, आज उसी का विस्तृत है जो समाज बैठा हुआ है। और राहुल भाई से और आशा रखते हैं कि इसको और विस्तार करे वो, और विस्तार करे, और इस घर इस मकान को महकते हुए नजर आना चाहिए। इसके मकान महकते हुए सुंदर का मतलब इसके ऊपर बिल्डिंग ठोकते ना चले जाए, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता है विचारों को फैलाना, सुंदरता है आपस में प्रेम बढ़ाना, सुंदरता है स्नेह रखना, भाईचारे में गरीबों का हेल्प करना, अपाहिजों का सहयोग करना, ये सुंदर कला है। सुंदर विचारों को जनमानस तक बिखेरना, ये सुंदर कला है। और राहुल भाई से यही निवेदन है कि जो पिता ने जो किया है उसको और आगे फैलाते जाए, और आगे बढ़ाते जाए। ये सिर्फ एक नौमी सिंह जी के घर की बात नहीं है, मैं आप सबके घर के लिए कह रहा हूं। आप सबको अपना घर सुंदर बनाना है, कितना अच्छा बना सकते हैं आपके हाथों में है, कितना अच्छा अपने घर का निर्माण कर सकते हैं आपके हाथों में है। आप सुंदर बनाइए अपने घर को, अपने घर को उजड़ने मत दीजिए, अपने घर को टूटने मत दीजिए, अपने घर को नरक का द्वार मत बनाइए, अपने घर को सुंदर सजाइए, प्यार के भाषों से सजाइए, स्नेह से, सौंदर्य से। कौन सा सौंदर्य? घर छोटा हो लेकिन साफ सुथरा हो। बात आई तो एक बात याद दिला दूं मैं, आदमी घर सुंदर बनाते हैं लेकिन बैठक सुंदर रहता है, घर सुंदर रहता है, लेकिन बड़े बड़े घर हम गए हैं और देखे हैं कि घर सुंदर है, बैठक चकमका रहा है, बेडरूम चमचमा रहा है, बाहर से देखो तो मस्त उजाला है घर में, लेकिन जैसे ही प्रवेश करेंगे किचन में मक्खी भिनभिना रही है, सुबह का चाय पिया है, बर्तन शाम तक पड़ा हुआ है, मक्खी भिनभिना रही है। और प्रवेश कर जाते हैं टॉयलेट में, जाते हैं टॉयलेट में जाते हैं तो देखते हैं सुबह कपड़ा नहाए हैं, शाम तक पड़ा हुआ है, कपड़ा धुला नहीं है। ये बड़े घर के लोगों की कहानी है, ऐसे घर सुंदर नहीं बनता है। घर छोटा हो लेकिन साफ सुथरा हो, घर छोटा हो किचन साफ हो। महात्मा गांधी कहा करते थे घर शौचालय ऐसे हो जैसे मैं वहां गीता जैसी किताब को मैं वहां पढ़ सकूं मैं, महात्मा गांधी कहा करते। आप भी वैसे करिए, आपके पास जो है उसको साफ रखिए, किचन साफ सुथरा हो। ये माताओं के हाथ में, इसलिए मैंने कहा घर को बनाना माताओं के हाथ में है। आप सबसे निवेदन है कि अपने घर को सुंदर बनाना, इसके लिए बड़े आदमी होने की जरूरत नहीं है, छोटे आदमी होने की जरूरत नहीं है, बड़े और छोटे में कोई अंतर नहीं है। जिसके पास जितनी हैसियत है वो आदमी उसी में बड़ा है। बड़ा आदमी कौन? जो आदमी बादशाहत का जीवन जीता है वही आदमी बड़ा आदमी है। और दरिद्र आदमी कौन? जो भीख मांगता है, छोटे छोटे चीजों के लिए भीख मांगता है, गलत चीजों के लिए भीख मांगता है। एक आदमी रोज सिगरेट पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, उनके पास में अरबों की संपत्ति, एक दिन जंगल की ओर घूमने के लिए निकल गया, जंगल की ओर घूमने के लिए निकला, सिगरेट पीने की लत, जंगल में देखता है वहां सिगरेट नहीं है। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, उनके पीछे दौड़े दौड़े चला गया, भैया मुझे एक सिगरेट दे दोगे क्या? ऐसे लोगों को दरिद्र कहा जाता है।
जो आदमी अपने निर्भीक जीवन नहीं जी सकता है, भगवान के पास नाक रगड़ता है, ऐसे लोगों को दरिद्र कहा जाता है। और आज भारत देश में दरिद्रों की कमी नहीं है, माफ करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे, हर आदमी भीख मांग रहा है मंदिर में जाकर के, हर आदमी भीख मांग रहा है मंदिर में जाकर के। मंदिर में जाकर के भीख मत मांगिए, शांति मांगिए, प्रेम मांगिए, उत्साह मांगिए, जीवन में अपने आप में जीने की स्थिति मांगिए। क्यों आदमी भीख मांगता है, क्या मांगता है आदमी पता है आपको? हे भगवान मुझे नौकरी दे देना, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगा देना, हे भगवान मेरे बिल्डिंग बन जाए, हे भगवान मैं उस जमीन को खरीद लूं। ना जाने कितना भीख मांगता है आदमी। और जो बड़े लाइन लगे रहते हैं ना, ये जो बड़े बड़े लंबी लाइन होती है मंदिरों में, ये सब भिखारियों की लाइन है। माफ करेंगे जो मंदिर में भीख मांगते हैं उसके लिए, मैं सबको भिखारी कह रहा हूँ, लेकिन उनको भिखारी नहीं कहता हूँ जो मंदिर में लाइन तो लगाए हैं लेकिन आत्मशांति के लिए, प्रेम के लिए भगवान से वो प्रार्थना करते हो, हे भगवान मुझे इतना शक्ति देना कि मेरे घर में कोई भी आए उनको मैं भूखा पेट ना भेज सकूं। हे भगवान मुझे इतना शक्ति देना कि मैं किसी के साथ गलत शब्दों का उपयोग ना कर सकूं। हे भगवान मुझे वो आत्मशांति देना जिसके बदौलत पर मैं बादशाह की जिंदगी जी सकूं। ऐसे लोगों को मैं भिखारी नहीं कहूंगा, भगवान मानने वाले माने, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन भिखारियों से माफी चाहता हूँ मैं कि भीख मत मांगना। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप जैसे ही हम लोग भी लोग हैं, कोई अलग से दुनिया से नहीं टपक गए हैं। हम जैसे बुद्ध भी थे, कबीर थे, महावीर थे, ईसा थे, मोहम्मद थे, राम थे, कृष्ण से ईसा थे, सारे लोग हम जैसे ही लोग थे, हम जैसे ही लोग थे। आज जो लोग महान बन गए अपनी कर्मों के बदौलत महान बनते हैं, आप भी अपने कर्मों को बदौलत महान बनिए। और आज नौमी सिंह जी ने घर बनाया, सुंदर मकान बनाया है, अब क्या करना है, अब सुंदर घर बनाना है, सुंदर घर बनाना है। जितना अच्छा घर बना सकते हैं उसमें आप सबके साथ अपना सुंदर घर बनाएंगे। घर को सजाना और संवारना, मैंने बीच में कहा, माताओं के हाथ में है। बच्चों को संस्कार देना सबसे ज्यादा माताओं के हाथ में है, इसलिए बच्चों को उच्च संस्कार देना, उच्च संस्कार। मैं घर के बारे में पहले बताऊं, मैं आपका घर साफ सुथरा हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर साफ सुथरा हो, आपके घर में हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग होता होगा, आपके घर में गलत चीजों का सेवन ना होता हो। यहाँ बैठे सभी भाइयों से निवेदन है, यदि आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ये सुंदर वाणी जिस मुख से बोलते हैं उस वाणी में गलत चीजों का प्रवेश होने मत देना, गलत चीजों का प्रवेश होने मत देना। गलत चीज क्या है, आज मोटी मोटी बात बताऊं, फिर विस्तृत चर्चा कल से होगी। मोटी मोटी चीज है, गलत चीजों का सेवन मत करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशा, शराब, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। ये किसके लिए छोड़िए, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। यदि आपके जीवन स्वच्छंद जीवन है, अच्छा जीवन है, आपके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं है, तो मानो आप अपने बुढ़ापे को सुखद यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। और सबकी बुढ़ापा निश्चित है, सबकी बुढ़ापा, कोई कोई सौभाग्यशाली होंगे जिसकी बुढ़ापा नहीं हुआ, दुनिया से पहले से अलविदा हो जाएंगे, लोग उसको दुर्भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली कहता हूँ। इस दुनिया से जंजाल से छुट्टी मिल जाए कितनी जल्दी, लेकिन मरने की लालसा भी ना हो, जो हो प्रकृति द्वारा निर्धारित। बहुत सौभाग्यशाली है, दुनिया से बहुत जल्दी अपने काम करके चले जाते हैं। सतगुरु पूरण साहिब जी हुए हैं पारखी संतों में, उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में इतना तेज संत, इतने तर्रार तेज और तर्रार अपने काम करके दुनिया से अलविदा हो गए। ऐसे लोग महापुरुष कहलाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने घर में जीने की कला सीखिए, अपने घर को सुंदर बनाइए। मकान आपके पास पैसा है तब अच्छा सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है पर भी आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, घर को सुंदर बना सकते हैं। घर को सुंदर बनाने की कला यही है कि सभी के सभी एक साथ बैठ करके, हमारे सतगुरु विलास साहेब जी कहा करते थे, गुरुदेव जी, कि घर में, हर घर में एक साथ ईटिंग और मीटिंग होना चाहिए। ईटिंग और मीटिंग का मतलब क्या होता है? ईटिंग का मतलब होता है एक साथ भोजन, और मीटिंग का मतलब होता है कोई भी कार्य करने से पहले एक दूसरे से सलाह लेना। ये घर को अच्छा चलाने की तरीका है। यदि
यदि घर का सियानी बड़ा भाई करता हो, गुरुदेव जी कहा करते थे घर का सियानी बड़ा भाई करता हो तो बड़ा भाई को चाहिए कि सारा पैसे अपने छोटे भाई के हाथ में रखे। यदि घर के सियानी छोटे भाई करता हो तो छोटे भाई को चाहिए कि सारा पैसा अपने बड़े भाई के पास रहे। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। यही घर को सुंदर बनाने की तरीका है। आपस में देरान और जेठान का रिश्ता जैसे दीदी और बहन का रिश्ता हो, वह घर सुंदर बनता है। आपस में सास और बहू का रिश्ता, सास और बहू के रिश्ता हट करके वहां पर माँ और बेटी का रिश्ता हो जाता है, वह घर सुंदर बनता है। और वह घर सुंदर आप सबके सब बना सकते हैं, सबके सब। इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, कौड़ी नहीं चाहिए, सुंदर विचार चाहिए। और सदगुरु कबीर के विचारों में इन्हीं विचारों को जनमानस तक फैलाने का एक छोटा सा प्रयास है। कर्म कांड से जीवन में आत्म शांति नहीं मिलती है, इन चीजों को आप ध्यान देंगे। कर्म कांड से कुछ देर के लिए शांति मिलती है। उदाहरण मैं बताऊं आपको, यदि नौमी सिंह जी ने इतना घर सुंदर बनाया है, उसका उद्घाटन उन्होंने यज्ञ करवा करके भी कर सकते थे, लेकिन यज्ञ के परिणाम में क्या मिलता, स्वाहा स्वाहा कुछ मेवा डाल करके फूंक दिए जाते। मैं उसको उससे अच्छा कहता हूँ, अरे अपाहिजों को दे दो, गरीबों को दे दो, इससे अच्छा ज्यादा ये है, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। लेकिन आदमी उसमें फूंक देते हैं। लेकिन किसी की परंपरा है, सिस्टम है, चलते हैं, उसका विरोध भी नहीं करता हूं मैं। यदि आप 1000 बत्ती जलाने के बदले एक बत्ती से आपका काम चल सकता है तो 1000 बत्ती जलाने की क्या जरूरत है। और आज कबीर पंथ में भी आडंबर शुरू हो चुका है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो बात बोलनी है वो बोल देता हूँ समाज के बीच में। कबीर पंथ में भी आडंबर शुरू हो जाता है। कबीर साहेब के पूजा के नाम पर कुछ लोग पैसा लेकर के चौंका करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात नहीं, किसी को बुरा लग रही है तो, कोई किसी की श्रद्धा है, पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ पुजारियों ने आज के दुनिया में आज के इस कबीर पंथ को बदनाम करने में लगे हैं। पहले बता देते हैं, 51,000 रुपए तुम दोगे तो तुम्हारे घर में चौंका होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज यह आडंबर चलता है, आप इन चीजों से बचें। मैं बात करते जाता हूँ, नए नए विचार खुलता जाता है। फिर याद आ गई एक बात, यदि कोई आदमी धार्मिक है और धार्मिकता के बदौलत वो पैसा वसूलते हैं तो वह धार्मिक खत्म हो जाता है। यदि कोई आदमी धार्मिक है और धार्मिक होने का पहचान यह है कि उनके पास प्रेम हो, संयम हो, दया हो, क्षमा हो, लेकिन यदि व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ करूंगा, सत्संग करूंगा, चौंका करूंगा, आरती करूंगा, कथा करूंगा, आप करिए, लेकिन वो कहते हैं कि इतने रुपये चाहिए, मतलब वह आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। सबसे पहली शुरुआत, जो आदमी पैसे से सौदा करता है धार्मिकता की, उसकी धार्मिकता खत्म हो जाती है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, धार्मिक कौन, धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा गुरुदेव जी ने इतना सुंदर और सटीक उत्तर दिया। गुरुदेव जी ने अपने पर संयम तथा दूसरे के साथ सील का बर्ताव, इतना ही धर्म है। इसकी विस्तृत परिभाषा घंटों लग जाएगी आप सुनेंगे तो। अपने पर संयम, आप जितना संयम कर सकते हैं उतना संयम करिए, और दूसरे के साथ सील का बर्ताव मतलब प्रेम का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव करिए। दूसरे के अधिकार मत छीनिए, अपने कर्तव्य अदा करते जाइए। इतना ही गुरुदेव जी का धर्म की परिभाषा है, इतना ही परिभाषा है। मैं अपनी चर्चा पर फिर से आऊं पुनः, आज सुंदर घर का निर्माण हुआ है, सुंदर मकान का निर्माण हुआ है। अब इस घर को सुंदर बनाने में, मैंने पहले ही कहा, फूल सिंह जी ने जो दिया उसको नौमी सिंह जी ने बहुत विस्तृत किया। अब इनका काम है कि राहुल भाई इसको और विस्तार करें। और साथ साथ एक खुशी की बात और है कि अनुराधा उनकी बेटी जिस परिवार में जाए उस परिवार में ऐसे ही विचारों को बिखेरे, अनुराधा उनकी बेटी का कर्तव्य बढ़ जाता है। मेरी बात यदि कहीं बैठे हो सुन रहे हो तो उनकी कर्तव्य बढ़ जाता है, उनका एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं अपने पिता के विचारों को, अपने दादाजी के विचारों को, जिस विचार पर मैं जीता था उन विचारों को मैं अपने ही परिवार में बिखेरूं। जब वो किसी के घर में जाए तो उनकी कर्तव्य बढ़ जाता है, उनकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है अनुराधा की, कि उस ऐसे ही विचारों को जनमानस तक फैलाए। और ऐसे ही विचारों को फैलाने के लिए ऐसे महापुरुषों को, संतों को बुलाए जहाँ कर्मकांड नहीं,
बीच में मैंने कहा कर्म कांड में कुछ देर के लिए शांति मिलती है, बीच में ये भी कहा कि यज्ञ के द्वारा अगर नौमी सिंह जी करवाते तो कुछ देर स्वाहा स्वाहा कुछ देर चलता, यज्ञ होता, उत्साह होता, लेकिन ऐसे विचार आपको नहीं मिल पाता, ऐसे विचार आपको नहीं मिल पाता। आपस में प्रेम से कैसे जीना है, भाई भाई आपस में प्रेम से कैसे रहना है, देरान जेठान आपस में कैसे रहना है, यही विचारों को सद्गुरु कबीर जनमानस तक फैलाने का प्रयास किए हैं और आप भी कर सकते हैं। आप डरिए मत किसी से, इस दुनिया में कोई नहीं है डराने वाले व्यक्ति, आप डरिए अपने गलत कर्मों से, बस आपके गलत कर्म ही आपको बर्बाद करेगा और कुछ व्यवहार नहीं कर सकता है। और इस दुनिया में भगवान सिर्फ एक भगवान है। नौमी सिंह जी ने सुंदर घर बनाया, अब उस घर को क्या करना है, मकान के बाद वो घर बन गया, आज से घर बन गया क्योंकि संतों को बुलाया, संतों के द्वारा गृह प्रवेश हुआ सुंदर सा, अब उस घर को मंदिर बनाना है, मंदिर में तब्दील कर देना है उस घर को। और ये नौमी सिंह जी के घर के नहीं, आप सबको भी करना है, आप सबको भी करना है, क्या करना है, आपके सबके घर है, उस सब घर को अब घर से मंदिर बनाना है। अब मंदिर बनाने के लिए आपके घर में भगवान होना जरूरी है, भगवान होना जरूरी है, सबके घर में भगवान होना चाहिए, ध्यान रखेंगे भाई। लेकिन मैं जिस भगवान को आप समझ रहे होंगे शायद मैं उस भगवान के लिए नहीं कह रहा हूं, माफ करिएगा, मेरा भगवान कोई दूसरा है, मेरा भगवान दूसरा है। आज हर घर में भगवान है, 90% घरों में भगवान बिठाए जाते हैं और उस भगवान को भोग लगाया जाता है, उस भगवान को भोजन कराया जाता है और जो खाते हैं उन भगवान का अन्न छीना जाता है और उस माता पिता को प्यार से सम्मान नहीं दिया जाता है जो हकीकत भगवान है, हकीकत भगवान है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मैं इस भगवान की आराधना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, आपको सही भगवान बिठाना है घर में। आपके घर में भगवान है, उस भगवान के साथ सिर्फ अच्छा जीना शुरू कर दीजिए, वो भगवान आपको पक्का ही आशीर्वाद देंगे, याद रखिएगा, वो भगवान आपको पक्का ही आशीर्वाद देंगे। एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, आपके भावनाएं वहां टिकती है इसलिए आप जाते हैं। लेकिन यदि आप घर में लड़ाई भी किए हो, आप अपने ससुर से भी लड़ाई किए हो, सास से भी लड़ाई किए हो, भाई से भी लड़ाई किए हो, पर भी आप उनके सामने जा करके मत्था टेकेंगे तो अवश्य आशीर्वाद देंगे, अवश्य आशीर्वाद देंगे आपको। ये जिंदा भगवान ही आशीर्वाद दे सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आपके घर को मंदिर बनाइए, आप घर तक ही मत सीमित रखिए। आज आदमी मंदिर के लिए बाहर दौड़ता है, बाहर मंदिरों में जाता है, माथा पटकता है, नाक रगड़ता है, लेकिन जो असली भगवान है उनकी आराधना और पूजा करना भूल जाता है। किसी ने कहा है, हे भगवान, इस दुनिया की बड़ी ही विडंबना है, जिन्होंने हमको बनाया हम उनके साथ अवहेलना करते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, और जिसको हम बनाते हैं अपने हाथों से उसकी हम पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, एक मूर्ति बिठा देते हैं उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने नाक रगड़ते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो भोजन देते हैं, जो अन्न कराते हैं, जो हमारे तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, हमारे कोई दिक्कत होती है तो आकर के पूछते हैं, बेटा कैसे हो तुम, तबीयत कैसी है, तुमको क्या चाहिए, प्यार से बात करते हैं, उस भगवान के साथ अन्याय करते हैं हम। जो जिंदा भगवान है उसके साथ अन्याय करते हैं, आपको सुख नहीं मिल सकता है, क्षमा चाहता हूं मैं, नहीं मिलेगा सुख। यदि आप जिस दिन हकीकत भगवान को समझ जाएंगे और जिस दिन आप बाहर के भगवान को न छोड़ करके अपने घर में भगवान बिठा लेंगे और जिस दिन आप बाहर मंदिर न जा करके घर को मंदिर बना देंगे, उस दिन आपके घर में स्वर्ग का निवास होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से ही आपका घर स्वर्गमय लगेगा। उस दिन आपके घर में ही प्रेम का फव्वारा होगा। उस दिन आपके घर में रोज दीपावली है। उस दिन आपके घर में मानो रोज होली का त्योहार है। इसीलिए संत जन कहा करते हैं, जिस घर में आपस में भाईचारे एक साथ मिल करके भोजन करते हो, एक साथ दोपहर में भोजन करते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में एक साथ मिल करके सभी एक साथ थोड़ी ज्ञान चर्चा कर लेते हो, आपस में प्रेम से स्नेह से गले मिल लेते हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, नित अमावस नित संक्रांति, रोज अमावस्या है, रोज संक्रांति है। आप भी करिए इन विचारों को, आप भी करिए। कर्म कांड से बचिए आप,
कर्म कांड से कुछ देर के लिए मन में शांति मिल सकती है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है, आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। मेरी बातें बहुत लोगों को अटपटा भी लग रही हो, लेकिन इन विचारों को मत मानिए, मेरी बातों को, आप मेरी बातों को विचार करिएगा कि वास्तव में एक बच्चा जितना शायद आप लोग पानी पियो उतना मैं दूध भी नहीं, जितना आप लोग दूध पियो उतना मैं पानी भी नहीं पिया हूँ, वो बच्चा आप लोगों से ही सीखा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं सीखा हूँ, मैं ये समाज में देखा हूँ, उन चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों से सीखा हूँ। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में हम सब रहे, हमारे साहेब महाराष्ट्र में रहते हैं, वो साहेब जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम सबने वहाँ रहा, अब अलग अलग आश्रमों में अपने अपने हिसाब से वहाँ रहते हैं। वही गुरुदेव जी का सतगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के संरक्षण में हम सब रहे हैं और उनसे सीखे हैं, उनसे चीजें सीखी हम लोग। अब इसलिए आज हम लोग बादशाहत की जिंदगी जीते हैं, हम लोगों को न कहीं डर न कहीं भय, नहीं कोई देवी देवता का डर है, न किसी का डर है, डर रहता है तो सिर्फ अपने गलत कर्मों से, और गलत कर्म नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में डर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। मैं शुरुआत किया था अपनी बात, आप अपने घर को सुंदर बनाइए, बात लंबी है, काफी लंबी है, मैं और विस्तृत से समय रहेगा तो कल परसों आपको बताऊंगा। आप अपने सुंदर को घर बनाइए, सुंदर घर बनाइए, घर के बाद में आप अपने घर को मंदिर का रूप दीजिए, और मंदिर का रूप देने का एक प्रथम सीढ़ी आपको बता देता हूँ, प्रथम सीढ़ी आपको बता देता हूँ कि आप बिस्तर से उठने के बाद में आज से संकल्प ले लीजिए कि आज से मुझे बिस्तर से उठते ही अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना है, मुझे आशीर्वाद लेना है जिसके बदौलत मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, जिसके बदौलत मैंने इतना सीखा है। बिस्तर से उठते ही आप लोग सब अपने से बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कीजिए, आपको आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं। दुश्मन भी अपने दुश्मन को आशीर्वाद देते हैं, स्पष्ट उदाहरण महाभारत युद्ध चल रहा था, और प्रारंभ होने वाला था, सभी अपने रथ में तैनात थे, एकदम युद्ध की तैयारियां थी, बस तैयारी होते ही शुरुआत होने ही वाली थी युद्ध, इसी में युधिष्ठिर अपने रथ से उतर जाता है, आश्चर्य की बात, अपने रथ से उतर जाता है और युधिष्ठिर रथ से उतर जाता है और अपने दुश्मन के रथ की तरफ चलता है, आगे बढ़ता जाता है और दुर्योधन की तरफ आते हैं, और वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, वहाँ पर आते हैं, लोग आते देखते हैं, दुर्योधन बड़ा मजाक उड़ाते हैं, अभी से ये लोग हार स्वीकार कर लिए हैं, लगता है दुर्योधन कहते हैं अभी से लोग लगता है हार स्वीकार कर लिए हैं, अपना हार स्वीकार करने के लिए वो अपना पराजय यहीं पर स्वीकार करते हैं, लगता है चर्चा हो रही थी, चर्चा होते होते युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास चले जाते हैं और भीष्म पितामह से प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही आश्चर्य की बात है, युद्ध में सेना नायक थे भीष्म पितामह, सेना नायक थे दुश्मन के युद्ध के सामने, वो सेना नायक है भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह को जब युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं विजयी भाव का आशीर्वाद देते हैं, अपने दुश्मन को विजयी भाव का आशीर्वाद देना। इतने में दुर्योधन छल्ला जाता है, कहते हैं तुम मेरे सेना नायक हो करके दुश्मन को विजयी भाव का आशीर्वाद देते हो, तुम उसके तरफ से लड़ रहे हो कि मेरे तरफ से लड़ रहे हो। कटु वचन जब बोलना शुरू करते हैं दुर्योधन, तब भीष्म पितामह कहते हैं ये मूर्ख, तुमको इतना ज्ञान कहाँ है कि विजय कैसे हुआ जाता है, आशीर्वाद बड़ों से कैसे लिया जाता है, यदि यही आशीर्वाद तुम उधर जाकर के युधिष्ठिर से आशीर्वाद मांगते, अपने बड़े भैया से आशीर्वाद मांगते, तो मैं निश्चित तुमको कहता हूँ कि यही आशीर्वाद युधिष्ठिर तुमको देता दुर्योधन कि तुम भी विजयी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, आप सब अपनी बुद्धि को मत मारिएगा,
आप अपने सब अपने बुद्धि को मत मारिए, बुद्धि को आगे बढ़ाइए और आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटिए। आशीर्वाद का प्रणाम बहुत, आशीर्वाद बहुत ही मीठा होता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही मीठा होता है। इसलिए आप सबसे पहले घर को सुंदर बनाना है तो मैंने कहा आपका टॉयलेट बाथरूम साफ रहना चाहिए, किचन साफ रहना चाहिए, घर साफ रहना चाहिए, बच्चों का कपड़ा साफ रहना चाहिए, हाथ आपका साफ हो। बहुत सारी लंबी चर्चा है, इस कोरोना महामारी ने सबको सिखा दिया है बहुत कुछ। और आप बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। बिस्तर से उठते ही बड़ों का प्रणाम करिए और रात्रि में शाम के समय सभी लोग एक जगह बैठ जाए, कुछ ज्ञान चर्चा, जिस मतपन को मानते हैं उसके बारे में एक चर्चा हो जाए, एक भजन हो जाए, कुछ बातें हो जाए। उसके बाद में अपने से बड़ों को चरण स्पर्श कर लीजिए। चरण स्पर्श करने के बाद में आप प्रेम से भोजन प्रसाद करवाइए सबको। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो भक्त समाज की जय हो। धन्यवाद, बहुत अच्छे। वसुंधरा की गोद में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा का समय मिला है, मैं कुछ निवेदन करूं। वैसे पूज्य संतों ने बहुत कुछ कह दिया है, बहुत बड़े अच्छे कि हमको अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाना है, कैसे सुंदर बनाना है। ये भक्त नौमी सिंह जी ने यहाँ बड़ी दूर धानी से संत महापुरुषों को बुला करके
एक गृह प्रवेश के बहाना लेकर गए और कितना बढ़िया अच्छे भव्य कार्यक्रम रखा। अच्छे सज्जन पुरुषों का यही हिसाब होता है। सदगुरु कबीर देव जी कहते हैं, आप तरे और तारे। घर कैसे सुंदर बनता है, अभी साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही। वेद व्यास जी ने लिखा है एक जगह के गृहिणी कोई घर कहते हैं। अगर घर में गृहिणी सुंदर विचार वाली है तो वो छोटी सी झोपड़ी को भी भव्य भवन बना देगी। और अगर गृहिणी सुंदर विचार वाली नहीं है, कुलच्छ नहीं है, तो बहुत बड़ी कोठी को भी शमशान बना देगी। और वैसे देखा जाए सच्चे अर्थों में तो माँ को गुरु का है, मातृशक्ति को गुरु का है। गुरु नाम गुरु माता, माता मंदालसा ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया। जब बच्चा रोता तो माँ कहती, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो निर्विकारो असी, संसार माया परवर्जितो असी। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो, संसार माया परवर्जितो असी। ये संसार तो त्यागने के योग्य है, ये माया का स्वरूप है ये संसार। आज माताओं, आज घर घर में लड़ाई किस बात पर होती है? तेने मेरी चम्मच ले लो, तेने मेरो गिलास ले लो, तेने मेरी थाली दुबकाई ले। और तू असली हो तो अपने बच्चा है, मत आंदी हो माई तरफ तो ठीक है, मत रोक लेंगे अपने तू अपनी मोड़ी मत आंदी हो। और वो माँ कितनी समझदार होगी जो कहती है, संसार माया परवर्जितो असी। बेटा, ये संसार तो त्यागने की योग्य है, ये चम्मच और गिलास और कटोरी और आंगन और मकानों की बात क्या रही, ये संसार ही त्यागने के योग्य है। संसर्ति इति संसार, ये प्रतिक्षण बदलता हुआ है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए सज्जनों, जहां माँ जीती जागृत है तो वो अपने बेटी बेटाओं को भी जीती जागृत बना देती है, अपनी संतान को। इसलिए संत मातृ शक्ति पर विशेष ज्यादा जोर देते हैं। बताते हैं एक छोटी सी बात है, फिर एक भजन सुनाएंगे हम। आप प्रवचन तो सुन ही रहे संत महापुरुषों के। एक शादी हो रही, लड़की को विदा किया तो लड़की रो रही। लड़की तो रोती है, चाहे किसी को पढ़े लिखे जाए, कुंकाय नहीं कर रहे तो लोग कहेंगे जी कैसी मोड़ी है। पर मजे की बात देखो, अगर लड़की तो रो रही पर लड़के को रोवे लगो बुद्धूला। लोगों ने कही, भैया तू काय को रो रो है, तो कह जी काय को रो रही है, कहमो तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे हैं, हमें याद आवेगी। तो कहता इसलिए तो मैं रो रहा हूँ कि तेरे मम्मी पापा जहाँ छूट गए तू चले गए, मैं मैयो आप ने छुड़वाई देंगे। उस लड़की ने खींच करके कहा, तो यहाँ का रो रहे हो, जब त्या मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो। लड़का ने कही, तो रोअ ना तो संग ही संग रो ही रो तो चल। सज्जनों, बात बड़ी मनोरंजन जैसी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। जो भाई बहन जीते जागृत होकर के होश के साथ अपना जीवन जीते हैं, वो ही हंसते हंसते अपना जीवन जीते हैं, अंथा पूरा जीवन रोते ही रोते बीत जाता है। पत्नी पति की शिकायत करती हैं तो पति पत्नी की शिकायत करते हैं, महाराज इसने हमारे घर को बिल्कुल बिगाड़ दिया। पत्नी कहती है, हमने बिगाड़ दो, तुम अपनी तरफ ना देख रहे। और वास्तव में जब अपनी अपनी तरफ जो देख लेंगे फिर तो वो जाग गए, क्योंकि हमारी बहिरंग दृष्टि है, हम हमेशा दूसरे की तरफ ही देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देख पाते हैं। और जब तक हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर हमको अपने गुणों और दोष कैसे नजर आएंगे।
अपनी तरफ देखने की कला तो संतों के माध्यम से और सत्संग से मिलती है। संतों ने कितनी बढ़िया बात कही, ये सत्संग है, ये एक दर्पण है, आंख तो हमारे चेहरा पर हैं, लेकिन इन आंखों से हम आंखों के आसपास की चीजों को नहीं देख पाते हैं। हमारे दांत गंदे हैं, आंख नहीं बताई नहीं। हमारे माथे का तिलक अथवा बिंदी बिगड़ गई है, मांग बिगड़ गई है, तो आंख नहीं बता पाएंगे। हमारी आंखों में कहीं कीचड़ है तो खुद आंख नहीं बता पाएंगे, तो कैसे देखेंगे? दर्पण शीशा। पर ध्यान रखो, शीशा भी आंख वालों के लिए होता है। कौ आंदर आदमी तो कह दे ले आंख ना तो शीशा देख ले, तो कह गो आंख ना तो शीशा में का देख ले। सज्जनों, इसी तरीका से सत्संग भी आंख वालों के लिए होता है। जो ठीक तरीका से जिनके पास में आंख है देखने की, तो सज्जनों फिर ये सत्संग एक दर्पण है। और जो भाई बहन सत्संग रूपी दर्पण के माध्यम से जो देख सकेंगे, तो वो सारे के सारे अपने दोष और बुराइयों को, अपनी अच्छी चीजों को, सारी की सारी चीजें फिर जैसी भी तैसी नजर आएंगी। साहब जी बोल रहे थे कर्म कांड की बात। कर्म तो अच्छा है, लेकिन कांड खतरनाक है। जे कहू ना कहते तो सत्संग कांड है, वो कहता है कोई, हाँ अगर कोई घटना हो जाए, कोई किसी में गोली कांड हो गया, लाठी कांड हो गया, तो सज्जनों कांड ही खतरनाक है। कर्म तो अच्छा है, इसलिए आप कर्म करिए, लेकिन कांड नहीं। और कर्म क्या है? कर्म की शिक्षा मिलती है सत्संग से। एक कर्म हमको बंधनों में बांधता है, तो एक कर्म हमको सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। ये संत महात्मा भी, हम लोग भी ये कर्म ही तो कर रहे हैं। और हम कुछ नहीं करें तब भी कर्म होगा। हमारी आंख देखेंगी, हमारे कान सुनेंगे, हमारे भीतर में भी क्रिया होती रहती है, हमारी श्वास चल रही है, विचार अनवरत रूप से चलते चले जा रहे हैं। हम खटिया पर सो जाते हैं तब भी कुछ न कुछ हो रहा है हमारे भीतर में। और जब सो जाते हैं तब शुरू हो जाते हैं फिर सपन ना देखते। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक भजन में कहती हैं, मैं बारी जाऊं सतगुरु की, बलिहारी जाऊं सतगुरु की, मेरे किए भरम सब दूरे रे, बलिहारी जाऊं सतगुरु की। एक और कहा है, कर्म जाल में उलझ के में आन पड़ी भवधार, और विषय वासना के बस होकर भोगे दुख अपार, हृदय में अकुलाती मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बिगड़। सज्जनों, कर्म और अकर्म का भेद हमको सत्संग से प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बहन चाहती है जब सीता जी को विदा किया, तो सीता जी की माँ ने कैसा उपदेश दिया अपनी बेटी को, कि सास ससुर गुरु सेवा करहू, पति रुख लखिया युसय अनुसरहू। कितनी बढ़िया बात कही। ये नहीं कहा था बेटी तुम किसी मंदिर में जाना या कोई पूजा आराधना करना, भूखी मरना। धन्य उस माँ के लिए। इसी तरीका से एक माँ ने अपनी बेटी को उपदेश दिया, और मैं निवेदन करूं प्रत्येक माँ अपनी बेटी को ऐसा ही उपदेश दे। जो माँ जीती जागृत होती है, वो अपनी बेटी बेटाओं को भी जगाती थी। और जागना ही सज्जनों, जो जागृत होकर के जीते हैं, यही होश का जीवन है, साधना का जीवन है। जो सोते सोते जीते हैं, ये बेहोशी का जीवन है। आज समय है जागो रे जिन जागना, जी जागने की बार, फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर। अरे करना है तो सो ना कियो, पढ़े विषय के फंद,
नानक समय जो रम गयो तो फिर क्यों रोवे अंदर जो जागल सो भागल हो रमैया राम आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। तो वो माँ अपनी बेटी को एक जागरूकता का उपदेश देती है, एक सच्चा भेद बताती है, जीवन की कला बताती है। बेटी को पिता किया, 10-20-50 सहेली भी खड़ी है वहां, पिता भी खड़ा है और माँ ने बेटी की जेट भर ली और कहने लगी, ओ मोरी लाड़ो धीरज धारो गहो पिया को हाल आशीर्वाद हमारो बेटी जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल हो में प्रभाव आता है, एक भी किनारा रोक नहीं पाता है और वो समुद्र की ओर बहती हुई चली जाती है। इसी तरीके से ये जीवन रूपी नदी के ये सुख और दुख दोनों किनारे हैं। एक किनारे की नदी नहीं होती है और एक किनारे का जीवन भी नहीं होता। इसलिए कभी सुख आए तो चिपक मत जाना और दुख आए तो घबराना मत और दोनों ही छूटते हुए चले जाएंगे, एक भी साथ में नहीं रहेगा, न वो सुख रहेगा और न वो दुख रहेगा। इसलिए वो माँ कितना बड़ा ज्ञान होगा उस माँ को जो अपनी बेटी को इतनी उच्च कोटि की बात बता रही है, मानो कि कोई गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। Bye.
जो भाई स्वागत में खड़े हो जाए तो और अच्छी बात है। अंथा एक जयकारा तो लगाई दे। हाँ बोलिए श्री सदगुरुदेव की। और वहीं पर बैठ करके तुरंत और भाव बंदगी कर लेंगे, क्योंकि बहुत देर बैठे बैठे हो जाएगा, 5 बजे आ गए होंगे। हाँ आम के आम गुटली ने के दाम जो काम है गए, किसी महापुरुष का सम्मान हो गया तुम सौदा लेने पाने में भूल चालू है जागो नहीं कही दे। अब आप जाइए अपनी अपनी जगह से, वहीं से बंदगी करो। ओ मोरी लाडो Yeah.
कथा कह रही सदा रहो तुम अपनी प्यारी
और भाई लोगों को भी ठीक तरीका से समझ लेना चाहिए। भाई लोग ऐसा नहीं समझेंगे जे सब कुछ हुए और वो कुछ नहीं करे। देखिए भाई लोग चाहते हैं कि पत्नी तो हमें मिल जाए सीता जैसी, पर हम रावण बने रहे तो काम नहीं चलेगा। अगर पत्नी सीता जैसी है और फिर तुम अगर रावण बन गए तो फिर क्या होगा? फिर तो मारे जाओगे और क्या होगा? अगर कोई पत्नी चाहे कि मैं तो सुबण का बनी रहूं पर मेरे आदमी मुझे राम बन जाए तो राम तो नहीं मिलेंगे, मिल तो जाएंगे पर भी नाक कान काट ले। इसलिए ध्यान रखो कि हमें वास्तव में अगर सीता जी बनना है तो फिर हमारा पति राम बन जाए, अगर राम बन जाए तो फिर हम सीता जी बन जाए। बस ये घर की सामंजस्यता है। बस घर अच्छा बन गया तो आपका घर घर नहीं होगा, वो घर आपका मंदिर होगा। वो मकान नहीं रहेगा फिर उसको हम घर ही कहेंगे। वास्तव में वही घर स्वर्ग समान है, जहाँ घर सुलक्षण है। वक्त आएगा तो फिर सुनाएंगे। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो, स्वस्थ हो, इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ। और हमारे पूज्य साहिब विराजमान हैं, इन्हीं के चरणों में हम अपनी वाणी को समापन के लिए चलती हैं। सभी भाई बहन एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। एक बार सभी भाई बहन एक जोड़ से जयकारा लगाए। देखो होश में लगाना और जोश में लगाना और हाथ उठा करके लगाना। नहीं जब लड़ते हैं तब शर्म नहीं करते ना, एक ना दोनों हाथ उठा उठा के लड़ते हैं। यहाँ तो सत्संग है, जयकारा लगाना है, लगाना अच्छा। और जयकारे को भी सुनना। होश की बात यह है कि कहीं में कंसुर तो नहीं बोल रहा। लगाना अच्छा है, बोलिए सतगुरुदेव। सुमिरन मात्र से नासे विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सद्गुरु मोइन बिसारिये, सद्गुरु मोइन बिसारिये, चै लाख लोग मिल जाए। हमसे कर्मी बहुत हैं पर तुमसे दाता ना। सात दीप नो खंड में, सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न को करता करे न कर सके, गुरु करे सो को करता करे न कर सके, गुरु करे सो। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधु, माता और बहने, आज ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के, कितनी मोटी बात है। बंधुओं एक पंथ द्वेका घर गृह प्रवेश हो गया और हमारे भोले साहब की पुण्य स्मृति भी
उनकी यादगारी में तो हो रहा है। ये समझदारी है, ये बुद्धिमान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे पूज्य संतों ने बहुत अच्छा, अभी आप सुन रहे थे हमारे साहिब जी के माध्यम से कि अधिकांश सास दिखाई दे रही है, बहुएं तो है नहीं, पर कम से कम मैं तो ये कह रहा हूं कि सास बहू को दिखाई दे जाए, घर जाओ तो इतना बहू को दिखाई दे जाए कि हमारी सास आ रही है, नहीं तो कबो को गड़बड़ है जाते हो। देखो बात आ गई, ये तो मैं बता रहा हूं, नौ माता हैं, सत्संग सुनने के लिए गए और कभी कभी घटना हो ही जाती है, सत्संग सुन के आए रही तो बीच में ही एक्सीडेंट है, आठ मर गए, एक जिंदा रह गए। अब गांव में पता लगा तो सब रोए रहे, आठों की बहुएं रोए रही पर वह नौ की जो बच रही बाऊ की बहू रोए रही। सुबह आठन ने कही के बहना तू काय को रोए रही है, तेरी तो सास जिंदा है, तेरी तू काय को रोए रही है, कि मैं ताई से तो रोए रही हूं कि बर आन के बंदियों। तो मेरा विचार ये है कि घर जाए तो वास्तव में बहुओं को ये पता लगे कि हमारी सास माँ आ रही है ससुर सुन के। हमारे साहिब ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुंदर विचार रखे गद्य और पद्य में। मैं आपके बीच में थोड़ी बात कहूंगा क्योंकि समय तो है ही गो। सदगुरु कबीर ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दऊ दिस धाय, आंखन सूजे बाबरा, घर जरे घूर। सदगुरु कहते हैं जिस प्राणी को सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं तो कहते घर जरे घूर होता है, घर में आग लगी हो और घूर को बुझाए। घर में आग लगी या घूर को बुझाए तो घर की आग कैसे बुझेगी, नहीं बुझेगी, क्योंकि घर में तो घूर होता नहीं है, घूर तो दूर होता है ना। आग कहाँ लगी है, आग घर में लगी और पानी कहाँ डाल रहा हुआ है, घूर पे। अब तो आग बुझेगी नहीं कि बुझ जाएगी। और मैं कहता हूं कितना भी डालता रहे, पूरा जीवन डालता रहे, लेकिन आग नहीं बुझेगी। और जीवन की बात छोड़िए, जन्म जन्म डालता रहे लेकिन आग नहीं बुझेगी, क्योंकि आग कहीं लगी और पानी हम कहीं डाल रहे हैं। आज बंधुओं संसार में यही हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारे गंगा, गंगा से पानी भर के सोरो घाट से पानी भर के लाते हैं और कहाँ कोठा बूंदी राजस्थान के ज्यादा है, कोई भैया हुआ तो ऐसी बात नहीं है, बता रहा हूँ नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादा भीड़ आती है। और सोरो कहाँ डालते हैं, पहाड़ पत्थरों पे, कहाँ डालते हैं, पहाड़ पत्थरों पे। और आग कहाँ लगी है, आग तो घर में लगी है, यानी हजारों कोस दूर ले जाकर के डालते हैं। प्रिय बंधुओं सदगुरु कहते हैं हृदय रूपी घर में आग लगी है, कहां लगी है, हमारे हृदय में आग लगी है,
काम की, क्रोध की, लोभ की, राग द्वेष की, ईर्षा जलन की। और पानी कहाँ डाल रहे हैं? पहाड़ पत्थरों। आग बुझेगी नहीं बुझेगी? प्रिय बंधुओं, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक विचार रूपी जल हमारे अंदर में नहीं पड़ेगा, तब तक वो आग बुझेगी नहीं। कौन सी आग? ईर्षा जलन की, लोभ लालच की, काम क्रोध की। और ये आग तभी बुझेगी बंधुओं, संतों में जाओ आग बुझेगी। इसलिए बंधुओं, हमारे नौमी भाई ने दूर दूर से संतों को बुला करके और आपके बीच में बहुत अच्छा कार्यक्रम बड़ी व्यवस्था के साथ रखा है। यही तो बात है तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ इसी को कहा है। आप सुन रहे हैं, भागीरथ गंगा को लाए। क्यों लाए? उनने अपने परिवार का यानी तरन तारण कराया। प्रिय बंधुओं, भागीरथ लाए न लाए ये बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि भागीरथ हरिचंद के बाद में पैदा हो गए। 21 पीढ़ी बाद में उसी कुल में भागीरथ का जन्म हुआ। तो जब राजा हरिचंद थे तब गंगा थी, घटबरिया बने, तो गंगा तो पहले थी, भागीरथ से तो बहुत पहले थी गंगा। प्रिय बंधुओं, फिर एक बात, भागीरथ गंगा लाए तो फिर जमुना को कौन लाया? चम्मिल को कौन लाया? कालंदरी को कौन लाया? कुआरी को कौन लाया? अब जाओ समाधान करो। अरे जे तो अनादि काल के जे नदी नाले कोई आज के नहीं है। आप थे तब है, आज हैं, और आगे भी आप ऐसे ही रहेंगे। प्रिय बंधुओं, इनको कोई नहीं लाया। वास्तव में भागीरथ वो होते हैं जो ऐसा चलता फिरता तीर्थ जो भाई बहन लाते हैं, वो वास्तव में भागीरथ होते हैं, वो ही भाग्यशाली होते हैं। और ऐसे तीर्थ में जो भाई बहन कान बंद करके, आंख बंद करके जो गोता लगाते हैं, उनका कल्याण होता है। उस गंगा की बात नहीं है, उसके लिए तो कवि साहब ने कहा है, गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गंगा नहाने का एक फल बताया, आपका मैल पसीना छूट जाएगा। आप सोचे हमारे पाप छूट जाए? ऐसा नहीं है। संत मिले फल चार, यदि अच्छे संत मिल जाएं तो चार फल बताए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और तीसरी बात कही है, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। यदि वास्तव में जीता जागता सदगुरु मिल जाए तो अनंत का फल कोई गिनती नहीं। अनंत का इस कहते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, यानी सदगुरु वहां छोड़ता है जहां कोई फलों की आवश्यकता नहीं। कहां छोड़ता है? ऐसी जगह सागर में, संतुष्टि के सागर में, संतोष सागर में ऐसी जगह पहुंचा देता है वहां पर कोई फलों की आवश्यकता नहीं। प्रिय बंधुओं, मैंने निवेदन किया, जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु का अर्थ क्या है? सद बिल्कुल ताजी, सद का इसे कहते हैं
एक तो बासी रोटी होती है और एक सद ताजी। उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल निकलती है चूल्हे से बाहर उसको सद रोटी कहते हैं, और जब तक सद रोटी दिखाई देती है तब तक बासी की तरफ कोई नजर नहीं करता करता है। बासी तो तब खाई जाती है जब सद दिखाई नहीं दई जाती। बंधुओं और इतने जोर से भूख लगी है तो कोई बात नहीं, थोड़ी ले। सदगुरु का अर्थ है बिल्कुल ताजी। काय बीत गया सो मुर्दा, बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना और वर्तमान में बरतो भाई बस यही है। बीत गया मर गया, अब मुर्दा के लिए कितना भी रोग हो आज जिंदा हो कबो कबो है जा तो है। जादूगर देखा है नहीं, कर देता है गर्दन अलग कर देता है, धड़ अलग कर देता है, लोगों के गले उतर जाते हैं क्या मरे को, और थोड़ी देर में फिर जिंदा कर देता है। लेकिन बड़ा ईमानदार है, लास्ट में कह भी देता है भैया यदि ऐसी में मुर्दाओं को जिंदा करने वाला होता तो एक एक रुपया के लिए दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगो। तो मैं कहता कुछ हूं करता कुछ हूं आपकी समझ में नहीं आती, बस मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता। सदगुरु कहते हैं बीत गया सो मुर्दा, मर गया। देखो बचपन मर गया, काऊ पे है तो बहुत अच्छी बात है, और काऊ काऊ को तो मर गया नहीं। अब तुम खूब रोबो, क्या बचपन आएगा नहीं आएगा? काऊ काऊ की जवानी मर गई, कितनो रोबो जवानी अब नहीं मिलेगी। अब का है बुढ़ापा, जाए में राजी है जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। देखो एक बात आएगी, एक देवी के बच्चा नहीं हुआ, कबो कबो है जाता है ऐसा। खूब पाने देवी देवता हनुमान बाबा देवी मैया राम कृष्ण खूब मनाए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर हुआ तो कब हुआ, 50 वर्ष की उम्र है और बच्चा है, और वैसो बच्चा हुआ बड़ा आता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ बंधुओं अब जिधर जाए उधर ही उदम मचाए, छोटे छोटे बच्चाओं को मारपीट करे, गांव के लोगों ने वह बुढ़िया के पास शिकायत लाना शुरू कर दी कि तेरा बेटा बहुत बुरा है, हमारे बच्चाओं को परेशान करता है, हम काऊ दिन हाथ पे तोड़ देंगे। बुढ़िया बड़ी दुखी है, बुढ़िया ने एक दिन उस बच्चा को पकड़ लिया और डांट रही है, दुष्ट तेरी इतनी शिकायतें आती है, मैं इतनी परेशान हूं। तो बच्चा ने कही मां यदि मैं ऐसो नहीं हो तो का करते। सोई बुढ़िया होश में आ गई कि बेटा जेव तू सही कह रहा है कि तेरे में वो बांझ बनो तो दूर करिएगा। प्रिय बंधुओ यदि हम बुढ़े नहीं होते तो का करते है? बचपन तो चला गया जवानी चली गई, लेकिन अब बुढ़ा हम बुढ़े तो जेई बहुत हुआ। सदगुरु कहते हैं तेरी एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल, भूल में जाने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं बच्चा बना तो शरीर बना, जवान हुआ तो शरीर हुआ, और आज बुढ़ा हो रहा है तो कौन हो रहा है, शरीर ही तो होता है। न तुम बच्चा थे न तुम जवान थे और न तुम आज बुढ़े हो, तुमने तो बच्चा को भी देखा अपने बच्चापन को भी देखा, आज तुम जवानी को भी देख रहे हो और तुम बुढ़ापन को भी देख रहे हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं ना समान सो ना रहे अविनाशी न साय,
जो नासमान चीज है, जो मिली है वो एक दिन छूटेगी। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर से आए हैं, वैसे ही नहीं आए यहाँ, बुलाए तभी तो आए और इज्जत से आए। और बात यह है, इज्जत से चले जाए तो कितनी बढ़िया बात है, जाना तो पड़ेगा, पिटकुट के गए तो का फायदा। इसलिए पहले ही तैयार रह जाओ, हैं? नहीं, यहां की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बंधुओं इज्जत की बात है। मनुष्य शरीर मिला, हम गधा नहीं बने, घोड़ा नहीं बने, कुत्ता नहीं बने, सुअर कीड़ा मकोड़ा नहीं बने, कौन बने? मनुष्य बने कि नहीं? देखो नीचे कितना बढ़िया बिछा हुआ है और वस्त्र पहने, और ऊपर कितना बढ़िया छाया है, का गधा घोड़ा कुत्ता सुअर कीड़ा मकोड़ाओं के लिए ऐसा होता है? तभी तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, नहीं कहा बड़े भाग गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा, कह सकते लेकिन नहीं कहा। क्यों? आपने देखा है पशु जिस पानी में खड़ा है, टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है और बड़ी श्रद्धा से उसी को पी रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। पशु जानता ही नहीं जड़ क्या है, चेतन क्या है, पशु नहीं जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन जानता है? मनुष्य जानता है। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन। तो सदगुरु वास्तव में जब तक नहीं मिलता है, बीत गया मुर्दा, आने वाला सपना। एक तो जो मर गया है उसको जिंदा करवे में रो रहा है, जबकि जिंदा नहीं होगा, मुर्दा जिंदा नहीं होगा। और एक अभी पैदा ही नहीं हो, ताकि आसाम मर रहा होगा। और जो वर्तमान में कितने बढ़िया सुंदर फूल खिल रहे हैं, क्या सुगंधी ले रहे हैं? नहीं ले पा रहे, क्योंकि भूत और भविष्य के चक्कर में बंधुओं हम वर्तमान जो वास्तव में सुंदरता है, जो फूल खिल रहे हैं, सुगंधी दे रहे हैं, भूत और भविष्य के चक्कर में हम नहीं ले पाए। सदगुरु कबीर ने कहा है बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना, और वर्तमान में बरतो भाई बस यही है। सदगुरु का अर्थ है जो वर्तमान में जीता है, अपने बोध में जीता है, अपने अविनाशी भाव में जीता है, वास्तव में वो ही तो सदैव, वो ही तो ताजी है, वर्तमान ही तो जीवन है। बंधुओं जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि सदगुरु ठीक ठाक जगह पर ले आए। एक भजन है, क्योंकि समय बहुत है गो, और भाई बहन दूर दूर जाएंगे और समय ऐसा ही है, कोई बात नहीं, 3 दिन अमृत गंगा बहेगी और खूब आनंद लेंगे। सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की नाए, बंदा मोए पावे नहीं चूकी चाकरी मां, धरी कहूं ढूंढे कहूं, धरी कहूं ढूंढे कहूं, बस तो नया बेहार, बस तो हाथ जब ही पड़े जब भेदी ले ले साथ।
बंधुओं, बताने वाला मिलेगा तभी बात बनेगी। इसलिए भूला जीवन अधिका अब कछ सुधरा आए, कृपा भई गुरुदेव की दियो शब्द हर खाए। एक भजन है, अरे भूल में सो सोए गयो, भूल में सो सोए गयो, धन खोई दयो तीन अपने हाथ, भूल में सो सोई गहरी नींद में सो जाए, क्या बचेगी? सहज में लुट जाए। और वही हाल हो रहा है बंधु हमारा, हमारी आंखें तो खुली हैं लेकिन बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। एक लोमड़ी बेरों को उगुल उगुल के तोड़ गए, बेर कुछ ऊंचे होंगे वहां तक नहीं पहुंच रहे, अंत में बिचारी हार गई और वापस लौट के चलने लगे। कहूं झुगटा में बैठो खरगोश देख रहा था, कहने लगो चाची बेर टूटे नहीं। लोमड़ी कह रही है बेरन की बात कर रहा है, मैं तारे और चांद को तोड़ दूं पर बेर तो खट्टे। बंधुओं जब कछु हाथ नहीं आता है तो फिर बेर, ये कुटो पिटो संतोष। वास्तव में संतोष होता है जब ज्ञान से वो प्रकट होता है। काय ऐसो नहीं भाव है
में संत समाजू और जय जग जंगम तीर्थ। सब राजाओं का राजा कौन सा है? तीर्थों का राजा है सत्संग, संतों का समाज। और ऐसे तीर्थ में जो भाई बहन आ जाते हैं, स्नान करते हैं, तो काहे सट सुधरे सत्संगत पाई पारस परस उधार। प्रिय बंधुओं, अगर तुम सत्संगत करते भूल में काहे को पड़ते भूल में, अरे हाथ पुर बन के बिक गयो। अब ये गली गली गुरबा फिरे, हमसे कंठी ले नरक जाओ बैकुंठ चाहे हमें रुपया, बात नहीं बनेगी। प्रिय बंधु, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो एक की बात नहीं और दस पांच की बात नहीं। जब तक हमारो समाधान नहीं हो तब तक बात रुके नहीं। हम घूंटा से बंधवे की जरूरत नहीं, गुरु घूंटा से बांध देते। सुन ले जो कछ है सो जय बात है, और इतने तेरे मन चलो जाइए नरक में चलो जाइए। काबिये पानी पिए छान के, लेकिन बात गड़बड़ है। शराब मिलाई दो तो का छान लोगे, जहर मिलाई ले तो का छान दोगे, बड़ी गड़बड़ बात है। पेशाब मिलाई दो तो का छान होगे हैं? यहां बात छानवे की कुछ और है। पानी पिए जान के, पानी को जानो शुद्ध है क्या शुद्ध है। शुद्ध है तो पियो और प्यासे ही ठीक हो। पानी पिए जान के और गुरु करे जाने के। हेलो, छानबीन करना चाहिए, कहीं गुरु ही तो नहीं गोता खाए रहो है। और गुरु गोता खाए रहो तो हमें पल्ली पार कैसे ले जाएगा? इसलिए
जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दऊं दिस धाय, आंखें सूजे बाबरा घरे जरे भूर। कवि साहब ने यही बात कही है, मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन मोचु इच्छा हो। तुलसीदास जी ने तो ये कहा, बड़े भाग्य मानस तन भावा, अरे मनुष्य शरीर मिल गया तो क्या मिल गया, क्या बड़ी बात है। सदगुरु कहते खाया पिया घाय के सोया फेर पसार, भोंदु लोग जाने नहीं को में को संसार। पशु जैसे खाए रहे हैं, सोए रहे हैं, भोग रहे हैं, बच्ची बच्चा पैदा कर रहे हैं और मच जाते हैं, और उतना ही काम मनुष्य शरीर पा करके हम कर रहे हैं, तो पशु में हमें अंतर क्या रहा। सदगुरु कबीर ने थोड़ा और कहा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य की बात है, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जन्म सदगुरु मिले, लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है कोई जीता जागता सदगुरु मिले। क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक बंधुओं जीवन जीने की कला नहीं आएगी, जीवन जीने का ढंग नहीं आएगा। और सदगुरु मिलते ही फिर कहते आम के आम और गुठलियों के, या मेरी बड़ी मोटी बात है, दोनों काम हो जाएंगे। देखो आम को चूस के लोग गुठली फेंक देते, लेकिन कुछ समझदार भाई बहन होते आम को चूस लेते हैं और बा गुठली को चूरण बना लेते, औषधि का काम करता है। प्रिय बंधुओं वास्तव में जब जीता जागता सदगुरु मिलता है तो ये संसार का भी काम बहुत अच्छा हो जाता है और अपना भी काम बहुत अच्छा हो जाता है, आनंद की गंगा बहती है। आगे इन्हीं वाणियों के साथ में अपनी वाणी को विराम की ओर। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा समाज की। सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह पे गुरुदेव की
Hey,